Good morning, all of you. As you know, just because of the corona period, we are having lots of problems. And through that problem, we are trying to connect the student with our hard work, determination, and courage. And we are making such kind of the videos for the student, where the student can learn so many things and they can do their work, whatever that they are doing. शिक्षण किसी भी मोड पर उतरे नीचे क्योंकि बिना शिक्षा के मनुष्य कैसा हो सकता है मुझे समझना नहीं मुझे आप सब स्टूडेंट्स हैं इस डिफिकल्ट टाइम में हमारे साथ हैं स्पेशली फॉर माई स्कूल माई स्टूडेंट्स आई एम जस्ट प्रेइंग टू द गवर्नमेंट शुड कीप सेफ सो लेट्स स्टार्ट स्टडी हियर फ्रॉम क्लास 8 The lesson is here, colonialism and the urban change. तो इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे तो colonialism means colony. Colony क्या होती है जब कोई देश किसी दूसरे देश का गुलाम होता है तो वो देश गुलाम देश उस देश का क्या होता है colony. And this process is called the colonization. Definition is here, when a rich and powerful country control over a poor country and they use their all potential resources for their benefits and they take direct decisions for that country. They interfere in the country for ruling everything. That is called the colonization. This process is called the colonization and the country is the colony for that country. So let's start the new. As you know that India was a colony for the Britishers. Before 1947, अंग्रेज हम पे राज करते थे हम उनके थ्रू जीने की कोशिश करते थे सबसे पहले टॉपिक आते हैं डीअर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन व्हेन द पीपल ऑफ कंट्री दे शिफ्ट वन प्लेस टू द अनदर प्लेस फॉर द सर्च फॉर द जॉब एंड द बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर द फैसिलिटीज There are so many people that migrated from their village town and they are working in the cities like Mumbai, Delhi, Kolkata, Bangalore. Why? Just because of the opportunity. And they have the facilities, they have the education, they have the jobs, they have the security. What is the new class? These are the class that is starting to get the decision to skip over there. This could be the urbanization. But I'm talking about de-urbanization. जब शहरों को छोड़ के लोग या तो गांव की तरफ जाते हैं या एक शहर से माइग्रेट होके दूसरे शहर की तरफ जाते हैं तो उसको डी अर्बनाइजेशन कहते हैं ठीक है तो ऐसा ही था आपको पता है हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा किया था दे केम इंडिया फॉर द ट्रेडिंग अंग्रेज ने ट्रेडिंग करते 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 उन्होंने अपने कंट्रोल कर लिया तो जो हमारे पुराने शहर थे उस समय क्योंकि हम लोग बड़े रिच थे ट्रेडिंग स्पेशली क्लोथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब बहुत थी जो इन शहरों में जैसे ढाका जो बांग्लादेश में है मुर्शिदाबाद जो पाकिस्तान में है सूरत और मछलीपट्टनम इंडिया में है ये बड़े फेमस शहर हुआ करते थे और यहाँ बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स की तलाश में आते थे और काम करते थे तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया सबसे पहले हमारे देश का जो ये फार्मिंग था उसको इफेक्ट किया फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इफेक्ट किया हमारी इंडस्ट्री को इफेक्ट किया और उसका यही कारण था कि ब्रिटेन के अंदर क्या हो गया था ग्रेट रेवोल्यूशन नहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बड़ी तेजी से हो रहा था तो उनको अपने प्रोडक्ट्स का माल बेचने के लिए अपनी चीजों को बेचने के लिए मार्केट्स की तलाश थी तो इंडिया उनके लिए मार्केट था पर अगर इंडिया में पहले से ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे तो क्या वो बाहर वाहर मिले नहीं इसलिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया हमारे इन शहरों में जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मिल गई तो उसको ब्रेक डाउन करना शुरू किया उन्होंने नए ट्रेडिंग सेंटर बनाए चाहे वो मुंबई हो कोलकाता हो दिल्ली हो तो इन ट्रेडिंग सेंटर्स में उन्होंने क्या किया फैक्ट्रियाँ लगाई सारा काम वहाँ से शुरू हो गया हमारे ऊपर टैक्सेस लगा दिए गए फिर शहरों में जो काम होते थे वो बंद हो तो लोग जब काम नहीं मिले तो क्या होगा वापस एग्रीकल्चर की तरफ मुड़ देंगे वहाँ पर उतना बेनिफिट था नहीं तो फिर उन्होंने क्या किया दूसरे शहर की तरफ रुख किया और यहाँ जो पॉपुलेशन थी वर्कर्स थे वो ट्रांसफॉर्म होके दूसरे जिले में चले इसलिए इसको डीअर्बनाइजेशन फिर अगला टॉपिक आएगा प्रेसिडेंसी का
जैसे जैसे टाउन गो डाउन हुआ करते थे, जहाँ पे ब्रिटिशर्स उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए, स्पेशली ट्रेडिंग पोर्ट्स के किनारे होते थे, और वहाँ पे सारा स्पेशल डिजिटल लिया जाता वो हर चीज के लिए होता था। जैसे भाई बड़े बड़े जो नेता थे, बड़े बड़े जो लोग थे, बड़े बड़े जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे, इन शहरों में रहते थे, होता था डेवलप हुए इंडिया में, जिसको प्रेसिडेंसी ग्राउंड कहते हैं। स्पेशली तीन, मैड्रास, बॉम्बे और कोलकाता, ये तीन मेन सेंटर्स थे ब्रिटिशर्स के। और आगे चलते कोलकाता को 1772 में उन्होंने भारत की कैपिटल भी बनाया अपने। ठीक, फोर टाउन्स आपको पता होगा, द टाउन्स विच इज नियर द पोर्ट, एंड इन द स्टार्टिंग इट वाज स्मॉल टाउन एंड दे स्लोली स्लोली दे स्टार्टेड टू कन्वर्ट इट दिस इन द बिग टाउन्स, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द फोर्थ टाउन। फिर कैंटोनमेंट वर्ड आता है, जिसको हम कैंट भी कहते हैं। कैंट मींस क्या होता है, वो इलाका जहाँ पे मिलिट्री आर्मी ये सब रहते थे। तो आपको पता है कि ब्रिटिश जब रूल करते थे तो उनको प्रॉब्लम होती थी, तो अपनी सेना को भेजते थे, तो सेना कहाँ पर रहेगी, तो उन्होंने हर राज्य के अंदर स्पेशल जगह देखी, जहाँ से शहर चार पांच शहर कवर होते थे इजिली, तो उन जगह पर उन्होंने क्या करते अपनी छावनी बनाए, तंबू टैंक छोटी मोटी बिल्डिंग्स बनाए, वहाँ पर रहना शुरू करते, और परमानेंट लोग वहाँ पर रहते थे, परमानेंट ऑफिसर्स वहाँ पर रहते थे, और वहीं से सारे जगहों पर डिप्लोमेट किया जाता था, सोल्जर्स वहाँ का वहाँ का। तो वो एरिया में धीरे 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 डेवलप होने लगा, और वो कैंटोनमेंट टाउन्स के अंदर कन्वर्ट हो गई, जैसे मेरठ, अम्बाला, पटना में दानापुर, ठीक है, लुधियाना, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, पानीपत, ये सब क्या थे, फौजियों के रहने की वजह से कैंटोनमेंट बन गए, कैंट बन गया, और आज हर जगह पर आपको कैंट मिलेगा, राज्य के हर बड़े इलाके के अंदर आपको कैंट मिलेगा, जैसे दिल्ली में आपको दिल्ली कैंट मिलेगा। कैंट का मतलब समझते हैं, कैंट और कैंटोनमेंट एक ही तरह में, शॉर्ट में कैंट कहते हैं, और इंग्लिश में मतलब उसको लेते होते हैं तो कहते हैं फाउंटेन। अगला हिल स्टेशन, अंग्रेज ठंडी इलाकों से आते थे जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती थी, पर ठंडी होने की वजह से अपने लाइफ को सही से जी पाता, पर इंडिया में आकर इंडिया के अंदर बहुत भीषण गर्मी पड़ती थी, तो अंग्रेजों को बड़ा मुश्किल हो रहा था काम करने के लिए। तो उन्होंने ऐसे प्लेसेस की तलाश शुरू की जहाँ पर वो बड़े आराम से अपने काम को कर सकते थे। तो उन्होंने उसके हिल स्टेशन बनाए, मसूरी, नैनीताल और बहुत सारे ऐसे हिल स्टेशन उन्होंने बनाए, स्पेशली शिमला को उन्होंने अपनी कैपिटल घोषित की, बनाया एक ठंडियों में, बाकी नॉर्मल तो जब तक हमारा कैपिटल रहेगा, और जब गर्मी आएगी तो वी हैव टू शिफ्ट ऑल द वर्क टू द शिमला, एंड शिमला से नॉर्थ इंडिया। तो अपने फैसिलिटीज के लिए उन्होंने क्या किया, हिल स्टेशन बनाया, हिल स्टेशन को अच्छे तरीके से डेवलप किया, पहाड़ों को काटा गया, वहाँ पर रहने के रोड, सड़कें, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, और पूरा का पूरा कैंपस बना के, मॉल बना के, सब कुछ एक जगह पर आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हो ब्रिटिशर्स जब थे उन्होंने बहुत सारे हिल स्टेशन बनाए, मसूरी से लेकर शिमला में, आज हम वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, इंजॉय करने के लिए जाते हैं। ठीक है, क्या अंग्रेजों के जाने के बाद हमने कोई नया हिल स्टेशन डेवलप किया, शायद। आगे चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी। अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो सकता, भाई शहर था तो शहर में लोग रहेंगे, लोग रहेंगे तो फैसिलिटी देनी पड़ेगी। तो 1687 में सबसे पहले एमसीडी बनाई गई, कहां पे, मैड्रास के अंदर, सबसे पहली एमसीडी थी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट। फिर आगे चल के उसका काम क्या था, उसको काम दिया गया भेज में तो शहर के अंदर फैसिलिटी देने, स्पेशली पानी की, साफ सफाई की, इलेक्ट्रिसिटी की, हॉस्पिटल की, एजुकेशन की, इनका सारा डिपार्टमेंट आपके पास होगा, सरकार से पैसे लीजिए और काम कीजिए। फिर आगे चल के एमसीडी की 1864 में एक्ट पास किया गया, जिसके अंदर लॉज बनाए गए, नियम कानून बनाए गए, सब कुछ बनाया गया, पोजिशन दी गई, और यहाँ पे दोनों ही होते थे, यानी कि एसडीएम होता था, डीएम होता था, जिसकी मजिस्ट्रेट होता था, वो क्या करता था, वो इंडिया का भी होता था और ब्रिटिशर्स का भी होता था, दोनों लोग वहाँ पर होते थे, दोनों लोग मिलकर क्या करते थे, काम करते थे, और उनका मेन पर्पज यही होता था कि दे हैव टू प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज टू द पीपल दोज दैट लिविंग इन द सिटी। इस तरीके से एमसीडी बनी, एक्ट पास किया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, ठीक, हेड बनाया गया, और हेड कौन होता था, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था वो एमसीडी का हेड होता था उस वक्त, आज मेयर होता है, ठीक है, इसके लिए इलेक्शन नहीं होते थे, अब इलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो ये सिटी का किया गया। फिर आगे चल के पुलिस एक्ट 1860 बनाया, जहाँ पर पुलिस की भर्ती की गई और इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, भाई वट एवर द एमसीडी एंड द लॉज आर देयर,
through that the people will follow. आपको क्या करना है, लोगों की जागरूक करना है और लोगों को सुनने को फॉलो करना है. फिर पुलिस देखता है मतिया भाई, आज आप पुलिस देखते हो वो भी पुलिस से सीखी नहीं, ठीक है. इसके अंदर आई थी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेड बनाया गया और उसके नीचे कमिश्नर से लेके कॉन्स्टेबल SI तक पोस्ट देखे की सीनियरिटी के हिसाब से होती थी और उनको काम सौंपा गया. तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटीज इस तरीके से उन्होंने बनाना शुरू किया. फिर बात करते हैं डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर था तो इंफ्रास्ट्रक्चर को करने के लिए भाई क्या चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, बिल्डिंग, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है. तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, काम किया. सरकार ने बहुत सारी चीजों को लाया. जो हमारे शेर शाह सूरी रोड था, दैट इज कॉल्ड द ट्रंक रोड, उन्होंने उसका पूरा पूरा रिपेयर किया. लॉर्ड डलहौजी आए, उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई और पहले रेलवे लाइन मुंबई टू पठानकोट चली और लगातार लगातार रेल का विस्तार होता ही चला गया. टेलीफोन, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स, ठीक है, टेलीग्राम ऑफिस, ये सारी चीजें खोली गई. और एक ही पर्पज था क्या, कि कम्युनिकेशन को फास्ट करना, ट्रैवलिंग को फास्ट करना, ट्रांसपोर्ट को फास्ट करना, ताकि हमारा काम अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी हो सके. सारी चीजें मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया. रोड बनाया गया, हॉस्पिटल बनाया गया, स्कूल बनाया गया, कारखाने बनाया गया, पोस्ट ऑफिस बनाया गया, कई जगह पर एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही थी, पोर्ट को और ज्यादा बेहतर बनाया गया, ठीक है. बिल्डिंग्स बनाई गई जहाँ पे लोग बैठ के ऑफिस बैठ के काम कर सकते थे, बात कर सकते थे, मीटिंग कर सकते थे, और इस तरीके से पूरा सिस्टम बना के काम किया गया. तो बात करते हैं भैया, ये सारा काम हुआ किसके लिए, अंग्रेजों ने अपने लिए किया. उनका मेन पर्पस यही था कि वो चाहते थे कि इंडिया के ऊपर बड़े आसानी से घूम सके. पर कहीं ना कहीं बेनिफिट हमारा, आज हम अगर कंपेयर करें हिंदुस्तान को उस टाइम से, हम पाते हैं उस टाइम का हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स थे, एक चीज की कमी थी, इक्वालिटी नहीं थी, हमें राइट्स नहीं मिले हुए. पर क्या आज के टाइम में हिंदुस्तान इंडिया में रहते हैं उनको राइट्स मिले हुए हैं, नहीं. शायद हम ब्रिटिशर्स से भी बुरे दौर में जी रहे हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा, ऑफिसर्स को समझना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव्स को समझना पड़ेगा, जो आपका वो है जो नेता लोग हैं उनको समझना पड़ेगा, और इन सब के द्वारा ही काम होता है. बस सब जगह क्या भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार ही, करप्शन ही करप्शन है, रूल रेगुलेशन नहीं है, झूठ मूठ दलों कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे पड़े रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के नियम को नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के नियम उसको बंद करते हो. आप छोटे से छोटे काम के लिए देखो इतना कुछ मांगा जाता है, घर बनाइए पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं देंगे उसी कर दिया जाएगा, सोचे तो नहीं होते. बोलते ना सर आप ये ना बोलना, आप समझ सकते हैं किस तरीके से जनता को परेशान किया जाता है. हर जगह पर आधार कार्ड बनाना है, पासपोर्ट बनाना है, आप जाइए चक्कर काटते काटते रहते हैं, पैसे नहीं देते हैं, काम नहीं होता, वो ज्यादा. तो ये सारी चीजें हम आज आपको पढ़ा रहे हैं कि अंग्रेजों ने ऐसा किया अपने फायदे के लिए किया, आज उसी की बदौलत पर यहाँ पे एमसीडी अंग्रेज बना के गए, आज एमसीडी की हालत देखी, करप्शन का महाराजा बना हुआ है, साफ सफाई नाले देख लो आप, रोड देख लो आप, स्ट्रीट लाइट देख लो. तो शायद मुझे लगता है ब्रिटिशर्स होते उन्होंने बेहतर डेवलपमेंट किया आज की युग में सरकार में बता दी, ठीक है. थैंक यू, सी द वीडियो, एंजॉय द वीडियो, एंड इफ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एंड सेड इट सॉरी फॉर ऑल द पीपल इफ In this video, I have spoken something wrong or just extra good example. So, वो बस आक्रोश है और शायद ये सच्चाई भी है. अगर जो खराब लगता है पर मेरी वजह से मैंने किसी संस्था का अपमान किया होगा तो मुझे माफी चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि हम सबके बारे में सोचना पड़ेगा.